पुत्र शिवाजी की आज जयंती है। और छत्रपति शिवाजी एक ऐसे योद्धा रहे जिनको देश और दुनिया आज भी उनके युद्ध की वीरता को याद करती है। उसी महाराणा प्रताप की धरती जिन्होंने किस तरीके से किस विषम परिस्थितियों के अंदर साहसिक और वीर योद्धा के रूप में एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक लंबा संघर्ष किया और पूरी दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप को आज भी शौर्य वीरता का प्रतीक मानते हैं। ये धरती महाराणा प्रताप की धरती है। ये शिरोमणि वीरा की भक्ति की धरती है। शक्ति और भक्ति के साथ पांगड़ की ये धरती जिन्होंने वैष्णव संस्कृति और संस्कार के साथ पूरे समाज के अंदर एक आध्यात्मिक पूजा का स्थान शिला जी का मंदिर, चार भुजा जी का मंदिर, एक पुल्लिंगनाथ जी का मंदिर, मैं इस धरती को नमन करता हूं जो धरती अपने आप में हम सबको भी गौरवान्वित करती है और देश में नहीं पूरे हिस्से के अंदर राजस्थान वीरता और भक्ति की धरती के रूप में जाना जाता है। इसके लिए इस धरती को नमन करना हम सबके लिए प्रेरणादायक होता है। आलोक संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसको विषम परिस्थिति के अंदर की जब सरकारों के प्रयासों से भी शिक्षा समाज में नहीं पहुंच पाती थी, शिक्षा का अंधकार समाज में फैला हुआ था, एक शिक्षा के उजाले की आवश्यकता थी, एक शिक्षा के प्रकाश की आवश्यकता थी। उस समय आचार्य श्यामलाल जी कुमावत ने एक नन्हा सा पौधा लगाया और एक शिक्षक जो जीवन पर्यंत शिक्षक रहा हो उन्होंने सेवा और समर्पण भाव से इस संस्थान की स्थापना की। आज इस संस्थान से पढ़े लिखे संस्कारित हुए हजारों नौजवान युवक और युवतियां देश विदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। जब मुझे मीडिया से उन लोगों को जानकारी मिली तो कई देश के हिस्सों से मेरे पास टेलीफोन आए कि हम आलोक शिक्षण संस्थान में पढ़े थे। इस संस्थान की खड़ी करने में आचार्य
श्यामलाल जी कुमाऊं का बहुत बड़ा योगदान है, जिनके अथक प्रयासों से, परिश्रम से, सभी अपने साथियों के सहयोग से और जिस संस्था से, राष्ट्रीय सेवक संघ से उनको संस्कार मिले, विचार मिले, उस संस्कारों के आधार पर उन्होंने इस शिक्षा संस्थान को खड़ा किया और आज ये शिक्षा संस्थान समाज के अंदर शिक्षा दे रहा है, संस्कार दे रहा है, विचार दे रहा है, आधुनिक तकनीकी ज्ञान और कौशल से हमारे नौजवान को एक दिशा देने का काम कर रहा है। इस देश और दुनिया के अंदर शिक्षा एक आधारभूत ढांचा है जिससे अच्छे समाज का निर्माण होता है। जिस देश, जिस प्रदेश, जिस गांव और ढाणी के अंदर शिक्षा कौशल और ज्ञान पहुंचा, उस समाज का एक अच्छा निर्माण हुआ। ये बात सही है कि आजादी के बाद हमें शिक्षा समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ा, बहुत कठिनाई भी प्राप्त करनी पड़ी, लेकिन आज चाहे सरकारी प्रयास हो, चाहे आचार्य श्यामलाल जी कुमाऊं की दूरदर्शी के का प्रभाव हो कि हम समाज के अंतिम छोर तक शिक्षा पहुंचाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा लक्ष्य बहुत दूर है। हमने संविधान में संशोधन भी किया, संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार भी देने का काम किया, प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा देने का काम भी किया, लेकिन उसके बाद भी अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन में जगान की ज्योति जला सके। और इसीलिए आज प्रदीप जी इसी दिशा के अंदर काम कर रहे हैं। दूर दराज के इलाकों के अंदर, अविकसित इलाकों के अंदर जहां शिक्षा ने शिक्षा के मंदिर खोल रहे हैं ताकि हम समाज के अंतिम छोर तक शिक्षा को पहुंचा सके। साथियों, दुनिया के अंदर आज जिस तरीके से नई तकनीकी, नया ज्ञान, नया कौशल पहुंच रहा है, उस दिशा में हमारा नौजवान भी बढ़ रहा है। हमारे नौजवान की बौद्धिक क्षमता के कारण आज दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, भारत का प्रोफेशनल नौजवान उस देश में नेतृत्व कर रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले जापान गया था। जापान के अंदर तकनीकी रूप से जापान दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, लेकिन जापान के भी शहर के एक हिस्से के अंदर एक लघु भारत बसा हुआ था जहां हमारे आईआईटी प्रोफेशनल बड़ी संख्या के अंदर वहां काम कर रहे थे। आज संपूर्ण दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए, उस देश के अंदर आईआईटीएन हमारा नौजवान है, डॉक्टर हमारा नौजवान,
नौजवान है, मैनेजमेंट में हमारा नौजवान है, हमारी इसी बौद्धिक क्षमता के कारण आज दुनिया भारत को नेतृत्व कर रहा है। क्योंकि भारत के अंदर जहां शिक्षा है, संस्कार है, वह आध्यात्मिक ज्ञान भी है। और इसीलिए एक संस्कारित नौजवान, एक आध्यात्मिक शक्ति का प्राप्त करने वाला नौजवान जब किसी भी देश में जाता है तो उस देश के अंदर समाज के सामाजिक लोगों के साथ मिलकर समर्पण और सेवा के साथ काम करने के कारण वो अपना स्थान बनाता है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा तो हमारे नौजवान की क्षमताओं के कारण नेतृत्व करेगा, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी तकनीकी ज्ञान कौशल के कारण आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। और इसीलिए इस दिशा की ओर हमें बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। आज भी उच्च शिक्षा के अंदर हम 25% तक हैं, हमें उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। हमें हमारे ज्ञान कौशल की, उद्यमिता की, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाते हुए भारत को और आगे की ओर ले जाने का हमारा संकल्प है। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत एक दिन देश विश्व में नेतृत्व करेगा। हम 5 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर की अर्थव्यवस्था भी बनाएंगे और हमारी बौद्धिक क्षमता के कारण नेतृत्व भी करेंगे। और ये सब हम कर रहे हैं इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर, जहां पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग बोली, अलग अलग वेशभूषा, उन सारी विविधताओं के अंदर संपूर्ण भारत एक है, उसकी अखंडता एक है, यही हमारी शक्ति और सामर्थ्य है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने के कारण आज भारत समाज के हर स्तर पर निर्माण में आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारे लोकतंत्र के अंदर जब से चुनाव होने लगे, मतदाताओं का लगातार मतदान प्रतिशत इस बात को दर्शाता है कि हमारे लोकतंत्र के प्रति आस्था, विश्वास, भरोसा बढ़ा है। और जिस जिस देश में लोकतंत्र मजबूत होता है, प्रजातंत्र मजबूत होता है, उस देश का एक समावेशी विकास होता है। और सरकार इसी दिशा की ओर काम कर रही है, क्योंकि ये इलाका एक आदिवासी इलाका भी है। आदिवासी इलाका होने के कारण उस आदिवासी इलाके का कैसे विकास हो, भारत के वह तमाम जिले, गांव, धानी जो विकास में पीछे रह गए हैं, एक सरकार की सोच है कि जो गांव, धानी, जो जिला विकास में पीछे रह गया हो उसको विकास के अग्रिम पंक्ति के समकक्ष जिले, धानी पंचायत के समकक्ष खड़ा कर सके। और इसको चुनौती मानकर
सरकार ने काम करना शुरू किया ताकि संपूर्ण भारत का विकास, चाहे उत्तर में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे दक्षिण में हो, तमाम भारत का समावेशी विकास करने में लोकतंत्र का एक मजबूत आधार होता है। मैं कह सकता हूं कि भारत का संसद, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, आज भी वहां पर लोकतंत्र जीवंत है, जीवंत है, पारदर्शी है। विविधता में एक होते हुए विभिन्न दल, जाति, समुदाय के लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं और सभी माननीय जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को लोकतंत्र के मंदिर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा लोकतंत्र का जीवन है कि सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। ये भारत के लोकतंत्र में ही है जहां उस लोकतंत्र के मंदिर में माननीय जनप्रतिनिधि अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। सरकार कोई कानून लाती है, विधेयक का प्रारूप लाती है, संसद में बिल इंट्रोड्यूस के पहले, विधेयक के प्रस्ताव, विधेयक के पहले चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, उसके बाद उन विधेयकों पर चर्चा होती है, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की पहचान है। सहमति असहमति होने के बाद भी जब देश का सवाल आता है तो हमारे 130 करोड़ जनता के प्रेरित करने वाले सब लोग एक साथ मिलकर कानून बनाने का काम करना चाहिए, और यही भारत के लोकतंत्र की विशेषता है दुनिया में कि मत विभाजन भी हो लेकिन कानून बनने के बाद देश की जनता उसको सहर्ष स्वीकार करती है। आज इसीलिए भारत के संविधान के प्रति लोगों की निष्ठा है कि भारत के संविधान में हर व्यक्ति के अपने मौलिक अधिकार है और सरकार भी उस संविधान के दायरे में चलती है, नियम प्रक्रियाओं से चलती है, कानून से चलती है। और अच्छी चुनी सरकार वही होती है जो कानून की सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जनताओं के अभिव्यक्ति करने की सरकार हो, वह सरकार निश्चित रूप से हमेशा लोकप्रिय रहेगी अगर वह जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेगी। मैं इस मौके पर आलोक संस्थान में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह भी करता हूं कि आप सब पधारे, एक बार लोकतंत्र के मंदिर को देखें। मैंने आरोप जी से भी कहा कि संस्थान के सभी अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र, हमारे नौजवानों को भारत की संसद में लाए, लोकतंत्र के मंदिर में लाए, कैसे हमारे माननीय सदस्य वहां पर संवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद भी करते हैं, अभिव्यक्ति की कुछ ज्यादा आजादी होती है तो सदन के सामने भी आते हैं, लेकिन यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। मैं पुनः श्यामलाल जी कुमार को नमन करता हूं जिन्होंने एक समर्पण और सेवा भाव से शिक्षा के इस मंदिर को बनाने में अपना परिवार त्यागा, सारा जीवन दिया। उनकी अनावरण मूर्ति हमेशा आप सबको प्रेरणा देती रहेगी कि जीवन में आए हैं तो हमेशा समाज की सेवा का संकल्प होना चाहिए, मानवता की सेवा का संकल्प होना चाहिए। उनकी ये मूर्ति हम सबको इसी तरीके से
प्रेरणा देती रहेगी। आप सबको अपना बहुत बहुत धन्यवाद।